विश्व की दूसरी सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा 108 फुट ऊंचे संकट मोचन की ये खासियत कर देगी हैरान। देश के लगभग हर कोने में हनुमान जी के मंदिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर ले चलने वाले हैं जो दिल्ली वासियों पर हमेशा नजर रखते हैं। जी हाँ, ये खास मंदिर दिल्ली में है। यही नहीं, 108 फुट संकट मोचन धाम श्री हनुमंत लाल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। सिर्फ यही नहीं, हम आपको इस प्रतिमा से जुड़े कुछ और खास जानकारी देने वाले हैं। दरअसल मंदिर का निर्माण ब्रह्मलीन नागा बाबा श्री सेवागिरी जी महाराज ने कराया था। दिल्ली मेट्रो निर्माण के बाद ये मंदिर झंडेवालान मेट्रो स्टेशन से आने जाने के लिए काफी सुविधाजनक है। बता दें कि प्रतिमा का निर्माण कार्य 13 मई 1994 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2007 तक चला था। इसके अलावा यहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर में वैष्णो देवी श्राइन के समान एक गुफा है। इस गुफा में पिंडी के रूप में एक पवित्र पिंड भी है और गंगा नदी के रूप में पानी का एक पवित्र प्रवाह है। मंदिर के प्रवेश द्वार राक्षस का खुला हुआ मुंह से है, जो कि मरते हुए राक्षस को दर्शाता है। ये भगवान हनुमान की महिमा को दर्शाता है, जिन्होंने अपने जीवन में कई राक्षसों को मार डाला था और भगवान राम की सेवा की। मूर्ति के आधार पर मूर्ति के पैर के निकट स्थित देवी काली को समर्पित एक मंदिर भी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मंदिर की विशेषता के बारे में। गौरतलब है कि मंदिर में जलने वाली पवित्र ज्योति बाबा जी द्वारा 30 सितंबर 2006 को कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ज्वालाजी मंदिर से लाई गई थी और तब से यहां पर निरंतर प्रज्वलित हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बैठे हनुमान जी के। यह दुनिया के सबसे बड़ी अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा पितृ पर्वत पर बैठे हनुमान जी की महिमा है अलौकिक। मध्य प्रदेश के इंदौर में पितृ पर्वत पर अष्टधातु से बनी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि बैठे हनुमान की इस प्रतिमा को फ्रांस से पेंटर बुलवाकर रंगा गया है, जिसके अष्टधातु की मूर्ति का स्वरूप सोने जैसा हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 108 टन वजन वाली इस प्रतिमा में 66 फीट ऊंचाई, 9 टन की गदा, 3 टन की छतरी शामिल है और इसकी लागत लगभग 11 करोड़ बताई जाती है। मूर्ति पर लेजर लाइट जर्मनी से मंगवाई गई है, जो अंधेरा घेरने के बाद हनुमान चालीसा के पाठ के साथ अपनी आभा बिखेरते हैं। अष्टधातु में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, कैडमियम जैसी धातुएं मौजूद हैं। हुंडई टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।